हेलो गाइस, मैं वंश और आप देख रहे हैं वंश के ब्लॉग्स। तो फिलहाल सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मेरे को मतलब हम सारे दोस्त, हम 4-5 दोस्त मिलके हम लोग मतलब गजरौला तक जा रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे वो है ना, मतलब फेमस फूड ब्रांड्स हैं जैसे KFC, और KFC तो मतलब मेरा कोई लेना देना है नहीं, डोमिनोज वगैरह, मैकडोनल्ड हो गया और बाकी स्टारबक्स है। तो मतलब हम सारी एक बार देखना चाह रहे हैं, मतलब एक साथ सारे एक जगह पर ही हैं, तो अब अलग अलग जगह पर जाने से अच्छा एक ही जगह पर जाते हैं। सारे जितने भी फेमस फूड ब्रांड्स हैं सब जगह घूम के आते हैं। और फिलहाल कृष्णा तो स्कूल गया हुआ है, बाकी मम्मी अपने अंदर नाश्ते की तैयारी कर रही है, पापा भी तैयार हो रहे हैं अपने जाने के लिए, और मैं फिलहाल पूरा रेडी हूँ। तो अभी फिलहाल मैं एक दोस्त को लेने जा रहा था, तो उसे लेके आता हूँ, उसके बाद चलेंगे हम सब। पहले प्रिंस के घर जाना, प्रिंस मतलब यहाँ से थोड़ा दूर रहता है ना, तो उसको वहाँ से उठाना है पहले, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। गाइस फिलहाल प्रिंस तो आ गया, बाकी केशव भी आ गया और आदित्य भी आ गया, हम 4 जने जा रहे हैं बस, और 2 बाइक हैं, दोनों भाई को आराम से जाते हैं और मम्मी बाहर खड़ी हैं। हाँ केशव पहली बार आया, जो दुबे को तो पहले भी दिखाया था, पहले रुद्र वाले ब्लॉग में क्या कर रहा था तो अब चलते हैं। और पार्थ तो फिलहाल सो ही रहा है, पापा चले गए, मम्मी अब आराम से, चलो ध्यान रखना अपना। तो गाइस फिलहाल हम यहाँ पे रुके हुए हैं दिल्ली हाईवे पे, क्योंकि हमारी बाइक पंचर हो गई है। एक जो प्रिंस आ रहा था वाली बाइक पंचर हो गई, बड़ी मुश्किल से भाई वो संभाली एकदम से ना, बिल्कुल मतलब वाइब्रेट पर, मतलब ऐसे ऐसे हो गई थी तो बड़ी मुश्किल से संभाली, और भाई साहब हमारे स्नैप बना रहे थे तो वो थोड़ी धीरे चल रही थी, जो अच्छे से संभल गई, नहीं तो अगर तेज होती तो फिर तो यहाँ पीछे बैठे हुए भैया पंचर जोड़ रहे हैं। तो अभी हाई मतलब गजरौला से हम लगभग 20 किलोमीटर पीछे हैं, टक से छू गए वापसी आए हम नहीं, हम तो सही चल रहे थे, चलो आए हैं। अभी फिलहाल यहाँ पहले पंचर जुड़वाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, वो थोड़ा सा रास्ता रह गया 10-15 मिनट का, वहाँ पहुँच के फिर आराम से घूमते हैं। पहले जाके तो हाथ मुँह धोएंगे, बड़े धूल मिट्टी हो रही है। गाइस फाइनली गजरौला तो पहुंच गए, और बाकी यहाँ पे जितने मैं बता रहा था सारी चीज़ें सब हैं, बाकी पीछे KFC स्टारबक्स तो पीछे रह गए, अभी वहाँ पे बात जाएंगे। पहले सबसे रास्ता जाके देख रहे हैं रास्ता क्या है, वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, धीरे धीरे बिल्कुल आगे तक आएंगे। तो फिलहाल पहले कुछ खाने की सोच रहे हैं, क्योंकि रास्ते भूखे भूखे आए हैं बड़े। तो गाइस फाइनली डिसाइड करा है, पहले बीकानेर वाला भी चलते हैं और यहीं पे कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद चलेंगे बाकी आगे घूमने। तो गाइस फाइनली बीकानेर वाला में तो पहुंच गए हैं, यहाँ पे अभी हमारा खाना तो आ गया, बस अभी तो थोड़ा सा एक और ऑर्डर करा था, वो रह रहा है अभी, उसके बाद आते हैं, फिर वही अपनी स्नैप वैप बनाते हैं उसके बाद खाना खाते हैं। और भाई बड़ी भूख लग रही है सुबह से, क्योंकि पूरे रास्ते में मतलब थक गए ना एक तो, और अभी तो और भी घूमना भी है, उसके बाद घर भी जाना है, बहुत टाइम लगेगा। फिलहाल पहले खाना खाते हैं ताकि थोड़ी एनर्जी आ जाए शरीर में।
गाइस अब मैकडोनल्ड आके बैठे हैं और यहाँ पे थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह मंगाए हैं क्योंकि हम सब जगह थोड़ा बहुत टेस्ट करके जरूर जाएंगे। गाइस फिलहाल मैकडोनल्ड से तो बाहर आ गए और अब जा रहे हैं उधर सामने वहाँ पे स्टारबक्स की तरफ। लगभग सारी जगह हम घूम ही रहे थे क्योंकि KFC तो हमारा कुछ लेने देना है नहीं क्योंकि मैं तो मतलब ये दोनों तो खाता हूँ इतना, ये दोनों नहीं सिर्फ वो खाता है, मैं प्रिंस खाता ना, मैं खाता कुछ भी तो KFC जाना तो कैंसिल, इससे अच्छा वहाँ चलते हैं स्टारबक्स। चल भाई आज फिलहाल स्टारबक्स में तो आ गए और बाकी हमने अपनी कॉफ़ी मंगा ली है, कोल्ड कॉफ़ी मंगाई है। तो बाकी एक वो ये मेरी वो उसके नाम की उसकी, तो बाकी यहाँ पे अभी चार बैठे पी रहे थे और फिर उसके बाद चलते हैं बाहर फोटो वोटो खिंचाते हैं। तो मैं और प्रिंस तो यहाँ पे आराम से बैठे हुए, प्रिंस अपने पी रहा है और उसके बाद चलते हैं। और हम सोच रहे हैं कपड़े चेंज कर लें क्योंकि मतलब बड़े एकदम गंदे गंदे से हो रहे हैं, हम एक शर्ट एक्स्ट्रा डाल के आ रहे हैं क्योंकि गंदी हो जाती है इधर उधर जाने में, तो वो अब चेंज कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं बाहर चलते हैं और फोटो खिंचाते हैं। तो गाइस फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं वापस मतलब, और बाकी गर्मी बहुत हो रही है तो केशव की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी तो वो अभी पानी की बोतल लेने गया सामने की तरफ उधर सामने की तरफ, तो जब तक उसे आने हैं तब तक हम बाइक वाइक स्टार्ट करके उसके बाद चलते हैं। भाई बड़ा मतलब गर्मी बहुत तगड़ी हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है मतलब सिर घूम रहा है बुरी तरह से, वो आने देते हैं सिर्फ उसके बाद चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम यहाँ से निकल पड़े और अभी बीच में रास्ते में गांव में कुछ काम है उसके बाद चलते हैं आगे। गाइस फिलहाल यहाँ से जाते हुए गांव में रुके हैं, यहाँ पर प्रिंस के दोस्त वगैरह थे तो यहीं बैठे थे बड़ी देर से, तो अब यहाँ से जा रहे हैं। केशव कहाँ गया? ओ केशव कहाँ गया? अच्छा हो रहा, चलते हैं। गाइस फाइनली घर तो पहुंच गए हैं क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा एक तो था, ऊपर से धूल मिट्टी बहुत हो रही थी और रास्ता बहुत ख़राब था, गड्ढे गड्ढे थे, सड़कों में गड्ढे नहीं थे गड्ढों में सड़कें थी, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाया सही से, जितना बना था वो मैंने दिखा दिया। बाकी मैं और प्रिंस अभी घर पर, बाकी केशव और आदित्य तो चले गए, केशव को उसके घर छोड़ दिया, आदित्य अपने घर चला गया और बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर चाप खाने के लिए, भूख लग रही थी ना दोपहर दिन में खाया था उसके बाद से हमने कुछ खाया नहीं तो रास्ते में आते हुए थक भी गए थे, तो चलते हैं दोनों जने चाप खा के आते हैं उसके बाद फिर अब रात होगी कि फिर उसका घर दूर है यहाँ से, तो आज दोनों साथ में ही रो देंगे। चलते हैं फिलहाल और चाट खा जाते हैं।